लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज जैसे कि पता है आपको, दो बड़े चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय हासिल हुई है, तो वही बड़ा झटका लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदलने की बात कर रही थी लेकिन रिवाज बदला नहीं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिनंदन जी जुड़ चुके हैं। अभिनंदन जी की मैं अगर बात करूं तो कई वरिष्ठ टीवी चैनलों में संपादन कर चुके हैं। अभिनंदन जी, आपका स्वागत है K24 न्यूज में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पुष्कर जी, हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं। आज इनके YouTube चैनल पर जुड़ के जो है मुझे भी आनंद आ रहा है कि हमारे पूर्व सहयोगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सामने तो बच्चा हूं मैं, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो कुछ उत्तराखंड के लिए हम काम कर रहे हैं आप। क्योंकि देखिए, मेरे पास सवाल पूछने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठों के सामने मेरी इतनी मजाक और हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकूं। तब भी सर, स्टार्ट करते गुजरात से। मोदीमय हो चुका है पूरा गुजरात। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो ये जीत है ये एक्सपेक्टेड लाइन पर थी, और हम लोग भी ये अंदाजा लगा रहे थे कि 140 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और हम देख रहे हैं कि ये 155 56 57 कहीं पर जाकर स्थिर होने वाला है। ये तो 182 विधानसभा सीटों में ये जो है बहुत बड़ी जीत कही जाएगी, और 1985 के बाद वास्तव में ये सबसे बड़ी जीत है, बल्कि 1985 का भी रिकॉर्ड टूट गया है। अब सवाल है कि ये नतीजे जो बीजेपी ने जो अब तक के इतिहास में गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें लाने का रिकॉर्ड बनाया, और कांग्रेस ने जो अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटें लाने का रिकॉर्ड बनाया, उसके पीछे मैं 4-5 मुख्य वजहें देखता हूँ। एक तो ये है, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के ही हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे लंबे समय तक, उनकी लोकप्रियता इस वक्त चरम सीमा पर है। वो पूरे देश में भी मैं समझता हूँ, क्योंकि पिछले लोकसभा का रिजल्ट आपने देखा है, एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें थी। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कहीं से भी कोई गिरावट के आसार अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, और गुजरात चूंकि उनका होम टाउन है, होम स्टेट है, तो वहां तो उनकी जबरदस्त जो है उनके लिए समर्थन है। और जैसे जैसे मोदी अपनी एक मजबूत ब्रांडिंग करते जा रहे हैं और एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में और दुनिया में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं, वैसे ही गुजरात में भी उनके लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। लोगों को लगता है कि अपनी मिट्टी का बेटा है, अपनी मिट्टी का लाल है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो एक तो नरेंद्र मोदी के लिए मतलब प्रचंड समर्थन है गुजरात में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, लेकिन सर यहाँ पर हिमाचल का क्या हुआ सर? हिमाचल में तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, मैं हिमाचल पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं गुजरात पे और एक दो चीजें बता दूं आपको। दूसरा देखिए, विकास का जो मॉडल इन लोगों ने पेश किया है ना, 27 साल से शासन कर रहे हैं वहां पर, इसके बावजूद जो है लोगों में एक संतोष है, उन्होंने पिछली सरकारों को देखा है, इस सरकार को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकम्बेंसी गुजरात में काम कर रही है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी एक चीज होती है कि सत्ता विरोधी लहर, सत्ता जिसकी है उससे लोग जल्दी ही असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाते। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 27 साल से इनकी सरकार है, फिर भी प्रो इनकम्बेंसी, हर बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है। तो उसका कारण यह है कि मोदी का नाम, मोदी की छवि और उसके साथ जो विकास का मॉडल है, प्लस हिंदुत्व का जो एजेंडा है, इन सारी चीजों पर मुझे लगता है कि जनता ने मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि 50% से भी ज्यादा वोट लाना, करीब 53% पे इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से दिख रहा है गुजरात में, तो 52-53% का मतलब ही है कि सारे विपक्षियों को भी जोड़ देंगे तो भी वो 46-47% तक रह जाएंगे, और जबकि दो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस 27% पे और आम आदमी पार्टी 13% से कुछ कम, मतलब इन दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियों को जोड़ते हैं तो भी 40% होता है, और भारतीय जनता पार्टी 52-53 के बीच में। तो मतलब आप ये सोचिए, इतना बड़ा फासला है ना, इतना बड़ा फासला है, इसको प्रो इनकम्बेंसी कहना, सत्ता समर्थन में लहर कहना मेरे ख्याल से उचित होगा। और उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि
प्रचंड समर्थन और प्रचंड बहुमत मिला है। जी, करीब 2.5 दशकों का आपका जो पत्रकारिता का सफर है, और आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, तो ऐसे में सर क्या आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा रहा भी, क्योंकि आपको पता है देश में महंगाई है, इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चाहे गैस के सिलेंडर की बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा है, गुजरात में ये फैक्टर काम नहीं किया और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सब चीज को बनाने में आगे नहीं आ पाई। हिमाचल देखिए एक पहाड़ी राज्य है, छोटा सा राज्य है, जहाँ पर छोटी सी आबादी है और पहाड़ी जीवन थोड़ा सा दुरूह भी होता है, कठिन होता है, जटिल होता है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो उस तरह से नहीं होती हैं अक्सर कई जगहों पर, जिस तरह से मैदानी इलाकों में और इस तरह के गुजरात जैसे इलाकों में हैं। तो एक ये बात हो सकती है। और हिमाचल का जो आप इतिहास उठा के देखेंगे, वहां पर जब से ये स्टेट बना है तब से ये हर 5 साल पे वहां पर सरकार जो है बदल ही जाती है। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की थी, उससे पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले फिर भारतीय जनता पार्टी की थी। तो वहां पर ये 5-5 साल में ये बदलाव आ रहे हैं। इसका मतलब जो आप कह रहे हैं वो मुद्दे भी हो सकते हैं, महंगाई भी लोगों को महसूस होती होगी, बेरोजगारी के मुद्दे भी होंगे। पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल जैसे राज्यों में अग्निवीर भी एक मुद्दा हो सकता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उन राज्यों से, जी उत्तराखंड जो आपका है या हिमाचल प्रदेश है, इन राज्यों से काफी बड़ी संख्या में लोग, युवा जो है सेना में भी जाते हैं, तो एक अग्निवीर वाले वाली नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ हर 5 साल के जी बाद जनता सरकार को बदल देती है। जी अभिनंदन जी, जैसे कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने रिवाज बदलने की बात कही, लेकिन मोदी जी अपना गढ़ बचाने में सक्षम हो गए। मोदी सरकार की जो जोड़ी थी गुजरात बजा चुका, लेकिन यहाँ पर अगर पहाड़ी राज्य की बात करें तो जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं और अनुराग बड़ा नाम है, दोनों मिलकर भी एक गढ़ को नहीं बचा पाए। कि हिमाचल प्रदेश की जो हार है भारतीय जनता पार्टी की, वो ठीक है, वो सत्ता से जा रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी हार भी नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, सरकार बनाने जा रही है, उसको केवल 0.9%, मतलब 1% से भी कम ज्यादा की बढ़त है, उसको 1% से भी कम वोटों की बढ़त है भारतीय जनता पार्टी पर। मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट अगर 1% जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 43, तो कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत केवल 43.90 जा रहा है 90। तो अब आप ये सोचिए, अच्छा दूसरी बात, पूरे राज्य को अगर आप मिला के देख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों में केवल 40,000 वोटों का अभी तक का फर्क है, जो अंतिम परिणाम जाते जाते भी 50,000 को क्रॉस नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर गुजरात में जो जीत हार हुई है वो 50-50, 60-60, 70-70 हजार वोटों से एक विधानसभा सीट पर हुई है, और यहाँ हिमाचल बिल्कुल प्रदेश में पूरे राज्य में कांग्रेस की बढ़त भारतीय जनता पार्टी पर 50,000 से ज्यादा वोटों की नहीं है, 1% से ज्यादा वोटों की नहीं है। तो बहुत बुरी हार भी इसको नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि जैसा मैंने बताया छोटा राज्य है, छोटी छोटी सीटें हैं, हाँ ये बात जरूर है जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना होगा कि जी कांग्रेस के वोट प्रतिशत में ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं हुई, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में केवल 2% की बढ़ोतरी हुई है पिछले चुनाव से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में पिछले चुनाव से 6% की जी कमी हो गई है। तो अब ये कांग्रेस के केवल 2% वोट बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के 6% वोट कम हो गए। यहाँ पर मैं एक पेच देखता हूँ जिस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मंथन करना पड़ेगा। क्या उनके समर्थक जी वोट वोट करने के लिए कम निकले, क्या जी उनके वोट को जो है दूसरे छोटे छोटे दलों ने वहां पर काटा, क्या हुआ? एक जो बहुत बड़ा कारण समझ में आ रहा है कि उनके वोट प्रतिशत क्यों कम हुए इतने ज्यादा, तो उसमें असंतुष्ट जो उम्मीदवार थे कई सारे, जो भारतीय जनता पार्टी से बात असंतुष्ट थे, टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला वहां पर। और चूंकि छोटा बिल्कुल सा बिल्कुल राज्य है, छोटी छोटी विधानसभा सीटें हैं, तो इन असंतुष्टों के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज पर भी और सीटों की में सीटों पर जीत की संभावना पर भी बुरा असर पड़ा। तो ये एक कारण मुझे नजर आता है। बाकी देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर के जी पिता तो वहां के मुख्यमंत्री ही रहे हैं, अब किसी जी एक नेता
नेता की बात मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चूंकि भरोसा करता है, वो सामूहिक रूप से जीत का श्रेय भी देता है और सामूहिक रूप से जीत के हार हार भी स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी। तो वो किस लाइन पे मंथन करेंगे, लेकिन मुझे यही एक कारण जो है महत्वपूर्ण नजर आते हैं। सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो यहां पर ये जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के या प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी दौरा किया था हिमाचल प्रदेश का, तो जीत का श्रेय कौन ले जाएगा सर? जीत का श्रेय तो देखिए, जीते हैं तो उनको श्रेय मिलना चाहिए और मिलेगा, और जो भी उनका नेतृत्व है उसको दिया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अगर मेहनत की है तो आप मान सकते हैं, 2% उनके वोट बढ़ गए हैं तो आप तो मान खड़के सकते हैं। साहब, लेकिन खड़गे खड़के साहब साहब अध्यक्ष बने हैं, लेकिन खड़गे साहब की मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई अपील होगी हिमाचल प्रदेश में। वो दक्षिण भारत के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई उस तरह की पहचान नहीं है। भले वो लोकसभा में नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, फिर राज्यसभा में भी रहे और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उस तरह की उनकी कोई राष्ट्रीय पहचान और जादुई छवि नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। जी नहीं, मेरा कहना यह था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस की हार हुई है, खड़गे साहब पहली बार अध्यक्ष बने हैं तो उनको जीत का मुंह दिखना पड़ा, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खड़गे साहब लकी चैम निकले हैं। अब मेरा ये कहने का मतलब है सर, क्या अभी देखते तो हैं आप देखिए इसमें? अभी तो बहुत सारे चुनाव होंगे, देश बहुत बड़ा है, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है। अभी 3 राज्यों में अलग अलग तरह के चुनाव हुए हैं, दिल्ली में भी एमसीडी का इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ गई, गुजरात में कांग्रेस पार्टी कहाँ गई। हिमाचल प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ही पार्टियां हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, और जनता वहां पर हर 5 साल में सरकार बदल ही देती है, और इस नाते कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो श्रेय जिनको लेना है ले ले, कौन लकी है कौन अनलकी है वो मंथन करेंगे, लेकिन मैं इस जीत को देखिए बहुत बड़ी जीत भी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया उनके वोट प्रतिशत केवल 2 बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के 6 कम हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना है कि मेरे 6% क्यों कम हो गए जी। कॉन्फिडेंस दिख रहा है कांग्रेस में, एक राज्य जीतने पर कांग्रेस तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गई है कांग्रेस पार्टी। कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो जीत हार लगी रहती है, और आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस की कमी कांग्रेस में दिखाई देती है, तो इस कमी को उनको दूर करना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर है और अगर इस जीत से, हिमाचल की जीत से उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है तो उनको बधाई हो और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। अच्छा, दूसरा अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में दो युवा चेहरे अगर बात करें, हार्दिक पटेल को यहाँ बड़ी जीत मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है, और दूसरा रविंद्र जडेजा जो क्रिकेटर हैं, उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको भी बड़ी बढ़त मिली है, यहाँ पर ननद को हरा दिया उन्होंने, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या नए चेहरे और युवाओं पर दांव लगा रही है सर? अभी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो नए नए चेहरों पर दांव लगाती रहती है, और इसकी सेंट्रल लीडरशिप में भी आप देखेंगे, कैबिनेट में भी देखेंगे। अभी आपने अनुराग ठाकुर का नाम लिया, वो भी नए ही हैं, युवा ही हैं, तो युवा चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती है। कांग्रेस भी आजकल दांव लगा रही है, ऐसा नहीं है, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे युवा नेताओं को बढ़ावा देने की कोशिश की है। अभी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गेंद जो है ऊपर जा रही है, तो जब भारतीय जनता पार्टी की गेंद ऊपर जा रही है वो जिसको भी टिकट देते हैं आमतौर पर वो जीत जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने यही देखा था, गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी अभी आप यही देख रहे हैं कि वो जिसको भी टिकट दे देंगे, वो युवा हो, वो बुजुर्ग हो, वो अधेड़ हो, वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, वो क्रिकेटर हो, वो फिल्म स्टार हो, वो पॉलिटिशियन हो, शिक्षक हो, पत्रकार हो, वो जिसको टिकट देते हैं वो जीत जाता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता जो है अभी ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं इसी जी चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। बिल्कुल अभिनंदन सर, मैं चलते चलते आपसे एक कमेंट और लूंगा, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? अब भारत जोड़ो यात्रा वो किस मकसद से कर रहे हैं, उन मकसदों को बताने में और देश की जनता को समझाने में मैं समझता हूँ कि अभी तक वो लगभग विफल ही रहे, क्योंकि और
भारत जोड़ो यात्रा नाव इधर चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उधर चल रहे हैं। तो यह एक किस्म का पलायन भी है राजनीति और चुनाव में अपनी क्षमता को साबित करने से एक किस्म का पलायन भी है। भारत जोड़ो यात्रा से कितना उनको लाभ हुआ है, नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में होगा नहीं होगा, मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी बार बार उसी पिच पर पहुंच जा रहे हैं जिस पिच के पुराने माहिर और धुरंधर खिलाड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, न केवल नरेंद्र मोदी, तमाम नेता मैं कह रहा हूँ। तो बार बार राहुल गांधी जो है एक तो तरफ कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर मैं निकला हूँ, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को वो बताते हैं, अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाके वो खेलते हैं कि किसी मंदिर में पहुंच जाते हैं तो चंदन घिस लेते हैं तो कोई पूजा पाठ करते हुए नजर आ जाते हैं। तो ये उसी तरह की राजनीति है जिसमें लोगों को लगता है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जो भी चल रही है लेकिन सारी नकल हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं समझता हूँ कि चाहे लोकतंत्र हो या सामान्य जीवन हो, उसमें कोई भी कॉपी कैट को और फोटो कॉपी को ऑप्शन नहीं मानेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट रहेगा तो आप उसका फोटो कॉपी या कॉपी कैट को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से अगर वो कोई बड़ा विजन देश के सामने दे पाते तो मुझे लगता है फायदा जरूर होता, क्योंकि एक बड़ी यात्रा 5000 किलोमीटर लंबी, इतने 5 महीने लंबी, निश्चित रूप से फायदा होता। लेकिन वो पार्टी और वो लीडरशिप कंफ्यूज्ड है, वो बड़ा विजन दे ही नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। वो कैसे देश में तमाम मुद्दे हैं, केवल महंगाई महंगाई बेरोजगारी बेरोजगारी रटने से नहीं होगा ना भाई, और भी तो मुद्दे हैं। तो कांग्रेस के समय कब महंगाई कम रही और कांग्रेस के समय कौन सी बेरोजगारी खत्म हो गई, तो जनता ये सवाल भी तो पलट कर पूछती है ना। कांग्रेस के समय जितना भ्रष्टाचार रहा उतना भ्रष्टाचार तो कभी नहीं रहा। तो सारे सवाल जो वो उठा रहे हैं वो बिना किसी दूरदृष्टि के, बिना विजन के, बिना ठोस आंकड़ों तथ्यों के उठा रहे हैं और उनके पास लॉन्ग टर्म अब पॉलिसी नजर नहीं आती। इसलिए देखना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा से उनको क्या फायदा नजर आ रहा है। मैं तो इस चुनाव में, सच पूछिए ईमानदारी से, तो मैं तो कोई फायदा नहीं देख रहा हूँ। और सच बात यह है कि जो बड़ा स्टेक था गुजरात में, वहां पर तो राहुल गांधी गए भी नहीं, 2-3 बार ही गए। तो भारत जोड़ो यात्रा बेसिकली एन मौके पर एक बार फिर से उन्होंने पलायन कर लिया। लेकिन उत्तराखंड के जो लीडर हैं, चाहे करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या और भी कांग्रेसी, कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि इस वजह से हमने हिमाचल प्रदेश को जीता है और आने वाले समय में हमारा प्रदेश, ये उत्तराखंड की जनता को बता रही है उत्तराखंड कांग्रेस, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर इस तरह की बात है तो मुझे तो लगता नहीं कि अमेठी से 2024 में राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़ने की स्थिति है। अगर उत्तराखंड में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है तो उत्तराखंड में कोई एक सीट चुन ले भाई। भाई अमेठी से अगर नहीं लड़ेंगे तो या तो वो ये तय करें कि केरल के वायनाड से ही फिर से कंटिन्यू करेंगे, या उनको इधर उत्तर भारत में कोई सीट चाहिए। तो ठीक है, अच्छा है, उत्तराखंड में लोकप्रियता बढ़ गई है तो एक उत्तराखंड में सीट अपना वो चुन ले, क्योंकि अमेठी में तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अब कोई जगह बची है अगले चुनाव में। तो अभिरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है इसलिए, क्योंकि बात है बहुत अच्छी, आप लोग साफ करते हैं और आपका जो राजनीतिक विश्लेषण कहूँ या फिर सामाजिक विश्लेषण, कई दशकों से आप पत्रकारिता क्षेत्र में है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे उत्तराखंड की जनता को। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सर दर्शकों को? नहीं, उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन राज्य है, मैं तो उसके चप्पे चप्पे को प्रणाम करता हूँ। देव भूमि है उत्तराखंड, और जब भी मैं जाता हूँ उत्तराखंड में, सबसे बड़ी चीज तो आजकल जो सांसों का संकट है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है और सांसों पर लोगों के संकट आ गया, तो मैं तो जब भी जाता हूँ फेफड़े में बहुत सारी ताजी ताजी हवा भर के उत्तराखंड से लौटता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे पुनर्जन्म मिल गया है। तो उत्तराखंड तो वो देव भूमि है, जितनी बार जाता हूँ उतनी बार पुनर्जन्म होता है हमारा। तो मैं उस देव भूमि को प्रणाम करता हूँ, उत्तराखंड के सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पुराने साथी हैं पुष्कर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके चैनल को फॉलो करिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं,
और उत्तराखंड के लिए कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, इनका सहयोग करिए, इनको समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन, और आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप इतना कीमती समय निकाल कर लाए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभिरंजन जी करीब 2.5 दशक से ज्यादा पत्रकारिता क्षेत्र में है और कई अवार्ड विनर हैं अभिरंजन जी। अगर अभिरंजन जी को आप सर्च करेंगे तो इनका अपना चैनल भी है। तो अभिरंजन जी बहुत अच्छा काम इन्होंने, अभिरंजन जी ने अपने कार्यकाल में किया है। NDTV की बात करूं मैं, या BAG फिल्म की बात करूं, News24, P7, कई चैनलों को लीड कर चुके हैं अभिरंजन जी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।